तरफ राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके में जी क्लब पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग और 5 करोड़ की रंगदारी वसूलने के आरोपित कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश करने के बाद 7 दिन की रिमांड पर लिया है। आरोपी से हुई पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर जयपुर पुलिस ने गठित की गई एंटी एक्सटॉर्शन सेल की मदद से जयपुर के लॉरेंस बिश्नोई गैंग और रोहित गोदारा के ठिकानों पर छापेमारी की। तमाम जगहों पर छापेमारी के दौरान जयपुर पुलिस ने कई लोगों को संदिग्ध जगहों से हिरासत में लिया है। यह सभी लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहे थे। हालांकि जयपुर पुलिस ने अभी तक पकड़े गए लोगों के बारे में खुलासा नहीं किया है। एंटी एक्सटॉर्शन सेल की 4 सदस्यों को टीम और सीएसटी डीएसटी समेत 100 पुलिसकर्मियों को लॉरेंस और रोहित गोदारा के ठिकानों पर रेड डालने के लिए अपॉइंट किया गया है। यह टीमें अलग अलग जगहों पर लगातार अपनी कार्रवाई कर रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करने के बाद किस तरह की पूछताछ की गई और इस पूरे मामले में किन किन लोगों के नाम सामने आए हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने खास बातचीत की एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई से। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान के अंदर दहशत मचा रखी है। राजस्थान ही नहीं, कई स्टेटों के अंदर उसने दहशत मचा रखी है। व्यापारी को धमकाना, उनसे रंगदारी मांगना बेसिकली इसका पेशा है। ऐसे बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए जयपुर पुलिस जो है पंजाब जेल से लॉरेंस बिश्नोई को प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई और उसको यहाँ लाने के बाद कोर्ट में पेश किया और 7 दिन की रिमांड मांगी है। किस तरह इस गैंगस्टर पर शिकंजा कसा और इसको गिरफ्तार करने के बाद किस तरह के मुकदमे जो हैं वो क्लेरिफाई होंगे और कौन कौन से बदमाश जो उसके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उनको लेकर के हमारे साथ यहाँ पर कैलाश बिश्नोई जी एडिशनल पुलिस कमिश्नर से बातचीत करते हैं। सर, लगातार दहशत मचा रखी थी लॉरेंस बिश्नोई ने, जेल में रहते हुए अपनी गैंग चला रहा था, गुर्गों के मार्फत रंगदारी वसूल रहा था। देखिए, पिछले करीब 2 माह में जयपुर शहर के अंदर कुछ व्यापारियों को और कुछ प्राइवेट व्यक्तियों को रंगदारी के वसूली के लिए, एक्सट्रॉशन के लिए कुछ कॉल्स आई थी जो बेसिकली फॉरेन से कॉल थी, VPN कॉल के आधार पर। तो उन समस्त में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया है और जो जी क्लब पे जो फायरिंग हुई थी रात्रि में, उन आरोपियों को तुरंत प्रकरण दर्ज करके 24 घंटे में पुलिस ने अरेस्ट भी किया है उनको। उस प्रकरण में इसको नामजद, चूँकि FIR में नामजद था और ये गैंग का लीडर भी था, तो उसको प्रोडक्शन वारंट के जरिए यहाँ पर लाए हैं जयपुर में। और अभी स्पेशल टीमें हैं जो हमारी एंटी एक्सटॉर्शन सेल है उसकी टीमें और इस जिले की टीमें संयुक्त रूप से उससे पूछताछ कर रही है। आज इसको रिमांड पे लिया है तो गहनता से इसमें पूछताछ करके अनुसंधान किया जा रहा है। सर, पूछताछ के बाद में कुछ नाम सामने आए हैं, कुछ राज उगले हैं उसने, उसके बाद लगातार कमिश्नर की स्पेशल टीम है, CST टीम है, DST भी टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। बिल्कुल, इसमें इनका जो साथी है बेसिकली गुर्गा रोहित गोदारा और उसके कुछ एसोसिएट थे जिनके संबंध में जानकारी मिली थी, तो वेस्ट जिले के अंदर कुछ हमने इसके जो संदिग्ध स्थान थे जहाँ पे रुकते ठहरते थे उन स्थानों पर रेड कराई है। और अभी चूंकि गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है तो बेसिकली डिटेल्स बाद में शेयर करेंगे इसका। सर, एक चीज़ और, नेटवर्क कितना तैयार किया सर इसने और क्या ये चीज़ें निकल करके आई है? और क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया, लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, देर रात से लगातार पूछताछ रही है, क्या निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, चूंकि ये खुद तो स्वयं लंबे टाइम से जेल में था पर चूंकि अपने गैंग का लीडर है, स्वयं घोषित लीडर है अपने, और इसके गुर्गे जो हैं बेसिकली इन 3-4 उत्तर भारत के राज्यों में भी ऑपरेट कर रहे हैं और कुछ बाहर से भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो इस टीमें बनाई गई है एंटी एक्सट्रॉशन सेल में वो बेसिकली कई मल्टीपल टीम्स को अपने गठित किया है ताकि गहनता से अनुसंधान में एक तो बेसिकली पूरी गैंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सामने आए, बेसिकली गैंग किस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी से काम कर रही है और कहाँ कहाँ इनके ठिकाने हैं, कहाँ कहाँ पर ये लोग पैसों को भिजवाते हैं, उस संबंध में कंप्लीट अनुसंधान के लिए कई मल्टीपल टीम्स हैं जो काम कर रही हैं जिसमें अभी समय लगेगा पूछताछ। सर, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सीधे तौर पर अभी तक कहीं निकल के नहीं आया, FIR के अंदर नामजद हुआ है, लॉरेंस ने खुद ने धमकी दी है, अन्य जो मामले आए हैं क्या उसमें सीधे तौर पे इसकी भूमिका पाई गई या फिर इसका इस्तेमाल करके जो और दूसरे छोटे लीडर्स हैं या जो गैंगस्टर हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके नाम के हवाला दे करके और उससे पैसा वसूली कर रहे हैं व्यापारियों से, ऐसा है? देखिए, जो पुलिस में प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे उसके अंदर जो धमकी व्यापारी को मिली थी वो उसमें स्पेसिफिकली इसके ग्रुप को इसको मुख्य मानते हुए दी गई थी, तो बेसिकली मुख्य आरोपियों की में शामिल तो रहेगा बेसिकली, और उसी चीज़ को क्लेरिफिकेशन करने के लिए इसको लाए हैं बेसिकली लाकर, ताकि प्रत्येक प्रकरण में इसकी जो भूमिका रही है इसकी स्वयं की उसको क्लियर किया जाएगा। सोशल मीडिया पर लगातार इसको फॉलो कर रहे थे, उसमें क्या उन पर भी शिकंजा कसेगा इसके बाद दोबारा से, क्योंकि जो और नामों की पहचान की जा रही है लगातार? बिल्कुल, इसमें हमें पुलिस CP साहब ने और पुलिस मुख्यालय से हमको डायरेक्शंस मिले थे और कंप्लीट स्टेट के अंदर और विशेष तौर पर जयपुर शहर में इसकी जितने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ जहाँ पे ये खुद और इसके गैंग के जो मुख्य किरदार हैं बेसिकली जो विभिन्न तरह के अपने साइट्स को ऑपरेट कर रहे थे उन पर जो फॉलो करना, लाइक करना, कमेंट करना जो इनके पक्ष में थे
उनको ला करके बेसिकली जो कम आयु वर्ग के थे बेसिकली नाबालिग, उनकी तो काउंसलिंग भी कराई गई है पेरेंट्स के मौजूदगी में, और कोई उनमें से कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन किसी भी रूप में सहयोग दे रहा है उसके खिलाफ तो कानूनी विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलेगी बेसिकली, क्योंकि फॉलोअर्स की इनकी सूचियाँ पहले से लंबी बनी हुई है इनके। सर एक चीज़ और, रोहित गोदारा, ऋतिक बॉक्सर, साथ में लॉरेंस बिश्नोई, कुछ नाम अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन व्यापारियों से लगातार रंगदारी मांग रहे थे। कुछ व्यापारी जो थे जैसे अक्षय गुरनानी था, जी क्लब पे पहले फायरिंग हुई, उसने पहले मुकदमा दर्ज नहीं कराया था, उसे लगातार ये उसको थ्रेट दे रहा था। जब फायरिंग हुई देन उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। क्या पता चल पाया है सर कि ऐसे कितने व्यापारी जो हैं उनसे इस तरह की रंगदारी मांगी जा रही है, जो सीधे तौर पर सामने नहीं आए हैं, डरे हुए हैं, या जो दे चुके हैं सर? नहीं, इसमें प्रत्येक व्यक्ति जिस किसी को भी बेसिकली इस तरह की धमकी मिली थी वो पुलिस से उसने संपर्क भी किया, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने जाकर के उनसे बात भी करी, और प्रत्येक के अंदर हमने केस रजिस्टर किया हुआ है। ऐसा कोई घटनाक्रम अभी तक सामने नहीं आया जो बेसिकली पुलिस तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची और उन्होंने कोई वसूली कर ली हो शहर में, अभी तक तो कोई जानकारी नहीं आई। उसके बाद में पुलिस ने बेसिकली प्रकरण दर्ज करने के बाद में मेन तो इनके गैंग के वो जो व्यक्ति जो धमकी दे रहे हैं वो, इनके जो साथी एसोसिएट्स हैं वो, और जो गैंगस्टर है वो, इनको नामजद करके गिरफ्तार करके अनुसंधान कर रहे हैं। सेकंड स्ट्रेटेजी हमने ये रखी थी कि भाई चूँकि फुट सोल्जर्स ये रिक्रूट करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो इनके फॉलोअर्स को हम लोग कर्टेल करने के लिए वो भी हमने एक पॉलिसी माध्यम से ही उसमें ऑपरेट कर रहे हैं कि भाई सभी थानों को नाम दिए जाते हैं और इनको लाला के काउंसलिंग करना है, कानूनी कार्रवाई करना है। तो दोनों तरह से काम कर रहे हैं, जहाँ इन्होंने अपराध कर दिया वहाँ पर इनको बुक करके ठोस कानूनी कार्रवाई करें, और जहां पर बेसिकली आगे भविष्य में नहीं कर पाए इसलिए इनके फुट सोल्जर्स को या इनके जो लाइक्स करने वाले, जो इनको फॉलो करने वाले या भविष्य में इनके कोई मेंबर बन सकते हैं उसको भी हम प्रभावी रोकथाम लगा रहे हैं। सर आखिरी सवाल, क्या एसओजी इस पूरे प्रकरण के अंदर इन्वॉल्व होगी? संगठित अपराधों के खिलाफ लगातार एसओजी शिकंजा कस रही है और लगातार लॉरेंस के खिलाफ भी विगत दिनों उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं उसके गुर्गों के खिलाफ, चूंकि पूरे राजस्थान के अंदर मुकदमे हैं इसके खिलाफ और ढेरों मुकदमे हैं, जयपुर शहर के अंदर 4 से 5 मुकदमे, क्या लग रहा है सर इन्वॉल्व होगी एसओजी? देखिए इसमें पुलिस मुख्यालय लेवल से मॉनिटरिंग हो रही है तो उसमें वहाँ से भी पर्यवेक्षण है इस घटनाक्रम का। एग्जैक्टली कोई केस ट्रांसफर हुआ हो अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। तो बिल्कुल, ये तो कैलाश विष्णु जी जो बता रहे थे कि लॉरेंस विष्णु जो है जो इसको इसके साथ जो गुर्गे हैं उनकी यहाँ पर पहचान की जा रही है, निश्चित तौर पर जो इसको फॉलो करना है ऐसे बदमाशों को भी चिन्हित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह एंटी एस्ट्रोशन जो सेल है वो लगातार इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रही है और जो भी इस गैंग से जुड़े हुए हैं उन पर भी जो एंट्री एस्ट्रोशन सेल है वो लगातार छापेमारी करते हुए कार्रवाई कर रही है। निश्चित तौर पर इस कार्रवाई के बाद में एक बड़ी सफलता यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है राजस्थान जयपुर पुलिस को मिलेगी। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ यादवेंद्र शर्मा, A1 TV न्यूज़ जयपुर।